कि 135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हमने 11 फुटबॉल खिलाड़ियों को तैयार नहीं किया। मेसी की अर्जेंटीना को जब सऊदी अरब ने हराया तो अर्जेंटीना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया हमें इस तरह से हरा सकता है करके। कतार ही होच्छे विश्वकप। सऊदी अरब मोरक्को एर मतो देश जदि विश्वकप फुटबॉल खेलते पारे ताहले भारत केन 11 जन प्लेयार तैरी करे विश्वकपे योगदान करते पारछे ना? प्रश्न छुड़लेन मीम सांसद इम्तियाज जलील। मेसी की अर्जेंटीना को जब सऊदी अरब ने हराया तो अर्जेंटीना ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया हमें इस तरह से हरा सकता है करके। लेकिन ये दोनों टीम्स, चाहे वो मोरक्को हो या सऊदी अरेबिया, जब मैदान में उतरे होंगे, उन्होंने पिछले 5 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं ये सोचकर कि हम उतरेंगे तो हम जीतेंगे करके। हमें 135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? हम टेलीविजन के सामने बैठे हुए थे और हम ताली बजा रहे थे। खिलाड़ी कोई और था मैदान के अंदर, लेकिन हम खुश हो रहे थे कि देखिए कितना अच्छा गेम हो रहा है करके। उसमें हमें अफसोस इस बात का होना चाहिए कि 135 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर हमने 11 फुटबॉल खिलाड़ियों को तैयार नहीं किया। उस दिन सारे देश ने इस बात का चिंतन किया और हमने भी सोचा, यकीनन आपने भी सोचा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ हमारी खेल नीतियों के अंदर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, वरना 135 करोड़ देश की आबादी अगर हम एक टीम तैयार नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, इस बात का एहसास हुआ है और शायद वही एहसास को लेकर आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ভারতের সংসদে শীতকালীন অধিবেশনে দাঁড়িয়ে ঔরঙ্গাবাদের মিম নেতা ইমতিয়াজ জলিল বিশ্বকাপ নিয়ে প্রশ্ন ছুড়লেন স্পিকারের উদ্দেশ্যে। ভারত একটা বৃহত্তর দেশ যার জনসংখ্যা প্রায় 135 কোটি। আমরা 11 জন ফুটবল প্লেয়ার তৈরি করতে পারলাম না? বিশ্বকাপ ফুটবল উন্মাদনায় মেতে উঠেছে গোটা বিশ্ব। ক্ষুদ্র মুসলিম দেশ কাতারে চলছে সেই ফুটবল খেলা। সদ্য বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছে ব্রাজিল। অপরদিকে ছোট্ট মুসলিম দেশ যার জনসংখ্যা মাত্র 3 কোটি 73 লক্ষ, কোয়ার্টার ফাইনালে জিতে সেমি ফাইনালে খেলতে চলেছে মরক্কো। এবারে সংসদে দাঁড়িয়ে শীতকালীন অধিবেশনে প্রশ্ন ছুড়লেন ঔরঙ্গাবাদের মিম নেতা ইমতিয়াজ জলিল। মন্ত্রী জি, মে আপসে পুছনা চাহতা হুঁ, ইউএস অর চায়না এসা ক্যা কর রাহা হ্যায় কি উনকে খিলাড়ি ময়দান কে অন্দর উতরতে হ্যায়? কোই ভি ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্ট জব অর্গানাইজ হোতা হ্যায় তো উনকে খিলাড়ি গোল্ড এসে হি হস্তে হস্তে লেকর চলে জাতে হ্যায়? হম এক গোল্ড আগর লেকে আ জাতে হ্যায় তো পুরা দেশ সেলিব্রেট করতা হ্যায়, বল্কি প্রাইম মিনিস্টার লে লিজিয়েগা, পুরে মিনিস্টার্স লে লিজিয়েগা, পুরে চিফ মিনিস্টার্স উসকা জশ্ন মনাতে। जबकि हमारे पास पोटेंशियल इससे ज्यादा है, कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं वो जो वो कर रहे हैं करके। वो क्या कर रहे हैं? तो वो बचपन से ही अपने खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कौन हमारा खिलाड़ी कौन से खेल के अंदर है, और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी उनके स्पोर्ट्स एसोसिएशन, फेडरेशन और वहां की सरकार उठा रही है। हमें मंत्री जी, हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स और हमारे लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या होने चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, एक सर्वे करवाइएगा पूरे देश के अंदर कि कितने ऐसे स्कूल्स है कि जहां पर स्पोर्ट्स टीचर्स मौजूद है पूरे देश के अंदर, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो या गवर्नमेंट स्कूल्स है, स्पोर्ट्स टीचर्स कितने स्कूल्स के अंदर है? एक सर्वे करवाइएगा कि कितने स्कूल्स के अंदर प्लेग्राउंड्स मौजूद है। एक सर्वे करवाइएगा कि अगर ग्राउंड मौजूद है तो स्कूल के अंदर क्या एक फुटबॉल है, एक क्रिकेट का किट है, एक रेसलिंग का मैट है, क्या वहां पर बास्केटबॉल के लिए कोई सुविधा है? एक सर्वे करवा लीजिएगा पूरे देश के प्राइवेट, और तब आपको पता चलेगा कि हम लोग अगर खेलों के अंदर पीछे है तो इसकी वजह क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे के जरिए मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा, 75 साल देश के आजादी के हो गए हैं, हम वैसे भी करोड़ों रुपया ऐसे वैसे कामों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, मंत्री जी ये जिम्मा उठाइएगा कि 75 साल देश की आजादी के मौके के ऊपर हम हर स्कूल को एक स्पोर्ट्स किट प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर एक फुटबॉल रहेगा, एक रेसलिंग का मैट रहेगा, एक बैडमिंटन के लिए, वॉलीबॉल के लिए जो नेट लगता है वो रहेगा। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूं, और उसके ऊपर लिखिएगा कि अगर खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, उसके ऊपर आपकी तस्वीर लगाइए, आदरणीय पंत प्रधान जी की तस्वीर लगाइए, और एक 75 साल का तोहफा बोल के देश के तमाम स्कूल्स को आप ये दीजिएगा। हर राज्य के अंदर 4 कम से कम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। मेरे शहर के अंदर थी, पूना वालों ने उठाकर उसे पूना लेकर चले गए, हम जमीन ढूंढते रह गए और उन्होंने कहा कि नहीं हम पूना लेकर चले जाएंगे। 4 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जिसका फोकस एरिया यही होना चाहिए, स्पोर्ट्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स रिसर्च और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। मैं मंत्री जी आपको बताना चाहता हूं, औरंगाबाद के अंदर एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का साई का एक्सीलेंसी सेंटर है, आज तक करोड़ों रुपया आपने खर्च किए हैं उसके ऊपर, लेकिन कोई भी एक इंटरनेशनल लेवल का वहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है। आप खेलो इंडिया के जरिए
आप अंडर 17 के टैलेंट को आप आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। उसी तर्ज के ऊपर अगर स्कूल गेम्स फेडरेशन अध्यक्ष, सिर्फ एक मिनट, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को यह जिम्मेदारी देते हैं कि आप अंडर 14 के जितने भी टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई करिएगा। दूसरा, सबसे जाते जाते सिर्फ यह कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी है बृजभूषण सिंह जी, वो खुद एक पहलवान है, अगर वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिसने कभी जिंदगी में कोई एक गोल नहीं किया वो फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा वो क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो गया है। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, एक नियम बनाइए, राजनेताओं को खेलों से दूर रखिएगा, तब जाकर हमारे खिलाड़ी दुनिया के ऊपर राज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।